खरगोन निकाय राजनीति से डर कर भाग रही भाजपा को सर्वोच्च न्यायालय के डंडे के कारण अब चुनाव मजबूरी में करना ही होगा। नगरपालिका पंचायत मंडी सहकारिता के चुनाव लंबे समय से लंबित पड़े हैं। सरकार जनता के अधिकारों का हनन कर रही है। होने वाले चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार भोपाल से नहीं वार्ड और पंचायत के कार्यकर्ता ही तय करेंगे। उक्त बात खरगोन विधायक रवि जोशी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में कही। मंगलवार को सुबीसी परिसर में आगामी चुनाव को लेकर आयोजित बैठक में शहर कांग्रेस एवं खरगोन ग्रामीण के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधायक जोशी ने कहा कि नगरपालिका एवं पंचायत चुनाव में कांग्रेस भारी मतों से जीतेगी। जनता महंगाई, बेरोजगारी, बिजली कटौती से त्रस्त है। व्यापारी, किसान, युवा, हर कोई परेशान है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। सरकार में बैठे लोग केवल बड़ी बड़ी ढींगे हाँक रहे हैं। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। बान कर दिया, वो कांग्रेस का कार्यकर्ता कैसे बनेगा? कांग्रेस यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये सारे हनुमान हैं, और अब रावण की लंका में आग लगना तय है, उसी के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। अब मैं विधायक और जो प्रभारी और सहप्रभारी और जो सांसद का चुनाव लड़े उनकी 5-6-7 लोगों की समिति है, चुनाव के टिकट उनका कहना है कि भोपाल से नहीं बटेंगे, खरगोन के टिकट खरगोन में ही बटेंगे, ये तय करके हम सबको बैठना है। तो समिति में 5-7 लोग हो, लेकिन तय अपने को जिस वार्ड का टिकट है उस वार्ड में ही तय करें। ठीक, मैं वार्ड नंबर 12 का निवासी हूँ, मैं 12 के में कौन लड़े ये हम 12 के लोग तय करें, और 14 के लोग 14 का तय करें, तो निश्चित ही जीतने वाले लोग निकले। ऐसे ही जनता जब देगी तो भारतीय जनता पार्टी का 2018 के रिजल्ट से बड़ा गट्टा उसको यहाँ मिलेगा। इतना हम उनके घर चले चलेंगे, वो उनके पास टाइम नहीं है, तो हम यहाँ चाय नाश्ता उनको बुला कराएं, उसके बजाय इंसान को इंसान से जोड़ने का हम जोड़ते रहेंगे। नया भारत बनाना है, अगर हमने इंसान से इंसान को जोड़ा तो निश्चित नया भारत बनेगा। जो गांधी जी का सपना था, जो नेहरू जी का सपना था, जो इंदिरा जी का सपना था, जो राजीव गांधी का सपना है, वो राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी के सामने वो नए भारत का निर्माण हम सब मिलकर करेंगे। सोशल मीडिया की बात करी, राहुल जी से 15 साल भाजपा का राज रहा, लेकिन कांग्रेस तो जहाँ की तहाँ खड़ी थी, पीछे नहीं हटी। कांग्रेस ने 18 में बता दिया कि कांग्रेस का खरगोन पूरे जिले में तिरंगा फैलाया, हमको पुनः 23 में तिरंगा फहराना है और 24 में लोकसभा में भी फहराना है। उस 15 महीने में हमने सिंचाई के मामले में जैसा महेश ने बताया, पिपरी उद्यान तालाब पहुंचाएंगे, चिंता मत करना। जो गांव में पीने के लिए पानी नहीं पहुंचेगा, नर्मदा जी का होगा, एक गांव 100 हेक्टर के लगभग 250 हेक्टर के लगभग की सिंचाई भी प्रसादन देंगे। नगर पालिका और पंचायत चुनाव, बाकी सोसाइटी हो कि मंडी के चुनाव, कोई भी चुनाव कराने की शिवराज सिंह की स्थिति नहीं है, उसको मालूम है कि लोग हिसाब बराबर कर देंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट को हम धन्यवाद देते हैं आप सब की ओर से, जिन्होंने इनको डंडा डाला कि चुनाव तत्काल कराओ। चुनाव होने की संभावना है, चुनाव हो कि नहीं, हमको तो चुनावी मोड में हमारे कार्यकर्ता को हमेशा 24 घंटे रहना है। नगर पालिका की बात बता दी, पंचायत की बात बता दी, ये चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती, हमको हमारे हिसाब से तैयार रहना है। खरगोन जनपद पंचायत क्षेत्र में पुलिस की कमी थी, शांति समिति की व्यवस्था नहीं थी, आईबी की रिपोर्ट को नज़रअंदाज किया, आईबी की रिपोर्ट में लिखा था मुख्यमंत्री को और सरकार को बताया था कि खरगोन में 8 से 10 पॉइंट ऐसे हैं जब परेशानी आ सकती है, लेकिन इनको तो कराना था वो घटना, इनको घटना कराना थी, लेकिन इनको छूटफूट कराने का मन था कि छूटफूट हो तो 1.5 साल तक थोड़ी थोड़ी चलती रहेगी, वो घटना इतनी बड़ी हो गई कि इनके पिताजी से भी नहीं संभली। ठीक है, पुलिस का बल कम होता, सब चीज़ें थी उसकी, हमने हमारे लेवल पे रोज बोलते थे और जब जब बोले, जब जब आरोप लगाया, जब मीटिंग होती थी और मीटिंग से निकल के बोलते थे कि प्रशासन की कमी और पुलिस की अव्यवस्था, और पुलिस की व्यवस्था नहीं केवल इस दंगे का कारण है, तो डरते थे कि ये मीटिंग में नहीं आ जाए। ठीक है, अन्नपूर्णा योजना, सूरज धारा योजना, इनने सरकार ने बंद कर दी, जो गरीब के कल्याण की योजनाएं थी वो बंद कर दी। खाद वितरण हेतु पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं है और खाद की कीमतें पोटास की 1750 रुपये कीमत कर दी, DAP और यूरिया के भाव बढ़ा दिए, इसके खिलाफ भी हमको संघर्ष करेंगे। और 19 तारीख के दिन हम बिजली के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, इसी स्थान पर 11 बजे खरगोन ग्रामीण और खरगोन शहर और गोगांव ब्लॉक के लोग इकट्ठे होंगे,
हमने परमिशन मांगी है पूर्णा भाई धरने की टीआईटी के, वहां अगर वहां परमिशन नहीं मिलेगी तो यहाँ इकट्ठा होंगे और यहाँ हम धरना देंगे। इसके बाद कलेक्टर को ज्ञापन देने हम कोई भी 10 लोगों को भेजेंगे। बिजली की कटौती के खिलाफ, बिजली का जो समय अनिश्चित है, कब रात को बंद हो जाती है, कब चली जाती है, उसके खिलाफ, बिजली के बढ़े हुए बिलों के खिलाफ हम धरना देंगे। खाद्य सामग्री की कीमतें खूब बढ़ी है, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। विधायक निधि से मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन पंचायतों के अंदर विधायक निधि अभी तक पिछले 3.5 साल में नहीं पहुंची, वो गांव हमने चिन्हित कर दिए। 1 महीने के अंदर उन सारी पंचायतों में हम भेजेंगे। जिन पंचायतों में अभी तक 1 रुपया नहीं दिया, कि आप किसी को कोई राजेश भाई बात मत करो, संकल्प लेते हैं कि हम हमारे साथ एक साथी को लाएंगे जो यहाँ नहीं आया है। ठीक सचिन, हम जितने बैठे हैं तमाम संकल्प लेते हैं कि एक एक साथी को लाएं। 4 बोलेंगे तो खुद भी आने में संकोच करेगा, यार चपट लेंगे, चिंता मत करना। शहर के अंदर 6-7 हज़ार से जीते थे। मैं आप लोगों को इतना विश्वास दिलाता हूं कि आप कांग्रेस के साथ और आप मेरे साथ खड़े हो तो इसी शहर को 10 हज़ार वोट से चुनाव जीतेंगे, चिंता मत करना। 2023 में हम जीतेंगे, 2023 में सरकार बनेगी और आप सबके मान सम्मान में और बढ़ोतरी होगी। आप जैसा चाहोगे इसी सरकार चलेगी, चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारा श्रीराम भी कुछ बहुत फेसबुक पे अब लिखना लग गए है नहीं। 19 तारीख के आंदोलन के साथ साथ खरगोन नगरी निकाय के चुनाव और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज के चुनाव के लिए भी हमने रणनीति तैयार करी है। हम कांग्रेस पार्टी के मुखिया, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी की भावना के अनुसार 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग के लिए निर्धारित किया है और तमाम पंचायतों में कांग्रेस का झंडा फेरे, इसकी रणनीति पर हमने चर्चा की। कांग्रेस भ्रष्टाचार का मुद्दा है, ग्रामीण क्षेत्र में विकास की लड़ाई के लिए जाएंगे, बिजली बिलों के खिलाफ बड़े रेट है उसके खिलाफ जाएंगे, पेट्रोलियम पदार्थ के जो भाव बढ़े हैं, खाद्य सामग्री के भाव बढ़े हैं, अराजकता बढ़ी है, कहीं पुलिस के कर्मचारी मारे जाते हैं तो कहीं रोज एक एक दो दो हत्याएं खरगोन और खरगोन के आसपास जिलों में हो रही है, चोरियां हो रही है, सरकार का अंकुश नहीं है, महिलाएं असुरक्षित है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई मार्गदर्शन नहीं है, बेरोजगारी है, रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है। इसके खिलाफ हम पंचायती चुनाव में, नगरीय निकाय चुनाव में, हम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर प्रत्येक विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और बीजेपी की सरकार ने जो बिजली बिलों के मामले में खूब बेपनाह वृद्धि करी है, बिजली की कटौती है, इसके खिलाफ हम एक बड़े लेवल पर आंदोलन करेंगे। उसकी तैयारी को लेके आज खरगोन शहर और खरगोन ग्रामीण के संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी हमने दोनों ब्लॉक अध्यक्षों को और शहर कांग्रेस के अध्यक्ष को दी है। और 19 तारीख को हम तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता धरना आंदोलन करेंगे और जिला कलेक्टर को राज्य शासन के लिए ज्ञापन देंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।